एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट वन डॉट जे एस नाम से मैंने एक फाइल बनाई, और यहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट लेट से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्लास एक्सपोर्ट करना है। क्लास बनाया माई क्लास, देन ठीक है एक क्लास बना लेते हैं। और जब भी आप क्लास बनाएंगे तो कमेंटिंग आप करना ना भूलें। सो सबसे पहले तो मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। मैं लिखा क्लास डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन, एंड देन यहाँ पर आएगा हमारा प्रॉपर्टी आएगा, दूसरा आएगा हमारा कंस्ट्रक्टर आएगा, सो कंस्ट्रक्टर आएगा, तीसरा हमारा मेथड आएगा। सो दिस इज माई मेथड एरिया। सो मेथड अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू योर फॉर एग्जाम्पल एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, इनिशियल में अरे रख रहा हूँ, बेसिकली एक एम टी अरे है। और कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, तो मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा और वो कंस्ट्रक्ट ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर हमने लिखा और दिस डॉट फ्रेंड्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल यूज करूँगा एफ नाम से, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय क्लास के अंदर जो पैरामीटर पास करोगे वो यहाँ पर रिसीव होगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो मैं फ्रेंड्स को इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द मेंबर। सो ऑलवेज राइट दिस स्टेटमेंट, द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर is to initialize the member. The role of constructor is to initialize the members. So उसी statement को मैं follow कर रहा हूँ कि constructor का काम मैं किस लिए use कर रहा हूँ, कि मेरा जो member है उसको initialize करने का काम कर रहा हूँ। Initially मेरा member एक empty array है, so square bracket कहीं पे भी मिल जाए so वो क्या है आपका एक array है, एक empty array है। सो उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, और एक मेथड बना ली मैंने गेट माय फ्रेंड्स नाम से, मैंने एक मेथड बनाई और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊंगा किसको, उस फ्रेंड्स अरे को। सो एफ फ्रेंड्स एफ आर आई एन डी एस फ्रेंड्स। और एक और मैंने मेथड बना दी गेट माय फ्रेंड 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 काउंट फ्रेंड्स काउंट गेट माय फ्रेंड्स काउंट ठीक है। मैंने एक और मेथड बना दी गेट माय फ्रेंड्स काउंट, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं आप काउंट करो। सो इनिशियलाइज होने के बाद अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए अरे डॉट लेंथ आप यूज कर सकते हो। सो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अरे डॉट लेंथ टी एच अरे डॉट लेंथ। सो मैं रिटर्न करवाऊंगा किसको, दिस डॉट फ्रेंड्स डॉट लेंथ। दिस डॉट फ्रेंड में तो आपको क्या मिल रहा है, अरे मिल रहा है। दिस डॉट फ्रेंड में आपको क्या मिलेगा, अरे मिलेगा। और उस अरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी, जो कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट आपने स्टोर कर रखे हैं उसके उसका नंबर बताएगा, 1 2 3 ऐसे बताएगा। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, गेट माय फ्रेंड्स काउंट है ना, हमारे फ्रेंड्स के काउंट आप बताइए कितने फ्रेंड्स हैं। तो इस नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया तो लेंथ बताएगा। तो इस वाले ट्यूटोरियल में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी मैंने क्लास बनाई और इस क्लास को अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर मेरा ये क्लास का क्लास एंड क्लास डेफिनेशन एंड, ये क्लास की डेफिनेशन एंड हो रही है। अब यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट तीन तरीके से कर सकता हूँ, एक नोड जेएस के थ्रू, अगर मैं नोड जेएस के थ्रू करूंगा यहाँ पर, अगर नोड जेएस के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं किसकी हेल्प लेंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की हेल्प लेंगा। अगर मैं प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूंगा तो पहला तरीका तो है कि मैं नेम्ड एक्सपोर्ट करूँ, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, और दूसरा तरीका यूज करना है तो मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करूंगा। सो मेरे पास बेसिकली जो है वो तीन तरीके हैं जिससे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तीन में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोड जेएस के मॉड्यूल एक्सपोर्ट
को करके बता देता हूं। तो क्लास डेफिनेशन ऊपर, एक्सपोर्ट का काम नीचे। सो एक्सपोर्ट में यहां पर करूंगा, सो यहां पर मैंने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। हमेशा ध्यान रखना है कि आपने एक्सपोर्ट किस प्रकार से किया है उसी पर डिपेंड करेगा इंपोर्ट मेथड। अगर आपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया है तो आपको इंपोर्ट कैसे करना पड़ेगा, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम एंड रिक्वायर, कॉन्स्ट रिक्वायर, कॉन्स्ट रिक्वायर, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम रिक्वायर से ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी वाला फॉर्मूला याद रख लो। ये कब यूज करना है, जब हमने नोड जावास्क्रिप्ट के थ्रू नेम्ड एक्सपोर्ट या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने यूज किया है तो हम उसको यूज करेंगे। बट मैं वन बाय वन मैं आपको करके बता देता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज अ नोड जेस मैथड, नोड जेस का एक तरीका है जिससे आप अपने कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उस कोड को आप दूसरी फाइल में आप क्या कर सकें, यूज कर सकें। सो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है और मैंने आपको बता रखा है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है या नोड जेस के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट था कि भाई क्लास जो है, क्लास का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो क्लास बनाई है माई क्लास नेम से, और इस माई क्लास को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, अब ये एक्सपोर्ट 1.js है तो मैं इम्पोर्ट 1.js नाम से फाइल बना लेता हूँ, इम्पोर्ट 1.js, ताकि दिक्कत ना आए आपको फाइल्स का रिलेशन देखने में। एक्सपोर्ट 1.js तो उसी का कोड मिलेगा इम्पोर्ट 1.js में। सो पहले देखना है कि हमें इंपोर्ट किस प्रकार से करना है, वो तरीका डिपेंड करता है आपने एक्सपोर्ट कैसे किया है। सो एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट अगर एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट हमेशा कॉन्स्ट वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल जेड नाम से मैंने ले लिया, एंड देन इज इक्वल टू, और नोड जेएस के अंदर एक बिल्ट इन मेथड नोड जेएस वालों ने दे रखी है रिक्वायर नाम से। रिक्वायर मेथड को सिर्फ आपको कॉल करना है, ये मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, कॉलिंग करते समय आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है, डॉट स्लैश लिखना है जो कि करंट डायरेक्टरी को बिलोंग करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही फाइल सेम लेवल पे पड़ी हुई है, इसलिए मैं डॉट स्लैश यहाँ पर लिखूंगा, ताकि डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी पर ही आपको इंपोर्ट करने वाली फाइल ढूंढनी है। सो डॉट स्लैश एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा, अगर आप लिख रहे हो और कोड हिंट नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देना। कंट्रोल प्रेस किया, ये कंट्रोल प्रेस किया और आप एक बार स्पेस प्रेस कर देना तो आपको पूरा बता देगा। सो यहां पर मैंने लिखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहां पर आपने लिखा एक्सपोर्ट वन, सिर्फ एक्सपोर्ट वन आ रहा है तो ये आप इसको कर सकते हो, यहाँ डॉट js एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। एंड देन आप सबसे पहला काम है, आप जिस चीज को, जो वेरिएबल आपने लिया उसको कंसोल लॉग करवाएं और समझे कि z के अंदर आ क्या रहा है। z जो है हमारा, यहाँ पर जो भी वेरिएबल लेंगे ये रेफरेंस वेरिएबल होगा, तो रेफरेंस वेरिएबल में आया क्या है उसका पैटर्न आप समझ लें। सो यहाँ पर मैंने लिखा नोड और रन, हमेशा इंपोर्ट वाली फाइल को करेंगे, एक्सपोर्ट वाली फाइल को रन नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आ रहा है रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, सो रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, सो यहाँ पर देखते हैं js control l, किसी और फाइल का कोड रन कर रहा है ये इंपोर्ट, सॉरी यहाँ पर हमें फाइल को रन करना है इंपोर्ट 1.js है ना, इंपोर्ट 1.js एंड नोड इंपोर्ट 1.js और रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पर कोई पैकेज और जेसन फाइल बनी है क्या, नहीं बनी है तो हम बना लेते हैं पैकेज और जेसन, ठीक है ना, पैकेज और जेसन है। और देखिए यहाँ टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल दे रखा है तो इसको आप हटा देना, अभी मैं इसको हटाता हूं और आप इसको रन करके देखें। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप नोड जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट के तरीका यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो है
आपको ये यूज करना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल। और आप जब नोड जेएस के थ्रू ही आप अगर रिक्वायर मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो ये टाइप मॉड्यूल आपको हटाना है। और जैसे ही आपने ये इसको इंपोर्ट किया तो देखिए एक एक क्लास आ गया है आपके पास, है ना। अब इस क्लास को जो है आप ये एक्चुअल में क्लास का रेफरेंस है। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो लेट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑफ व्हाट जेड, क्योंकि जेड अब है ना उस वाले क्लास से कोई लेना देना नहीं, अब चलेंगे तो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल से। सो ये जेड लिया, और जनरली क्लास ने हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, तो इसको बेटर है कि इसको मैं जेड दे देता हूँ, कैपिटल जेड, है ना। कोई रूल नहीं है बट ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर से हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करवा लूँ किसको, अपने ओबीजे को, ऑब्जेक्ट को। देन फिर आपने रन किया एंड ये देखो आ गया माई क्लास फ्रेंड्स, और ये से आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब मैं इसकी डेफिनेशन किया था तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास रिसीव किया था एफ नाम का। सो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसके कंस्ट्रक्टर में आपको क्या पास करना है, एक अरे और विथ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड ए, फ्रेंड बी, फ्रेंड सी, है ना, ऐसे कुछ फ्रेंड्स आपने कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं। सो जब भी आप पास करते हैं वो कहलाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। कॉलिंग करते समय आप पास करेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, रिसीव करते समय आप रिसीव करेंगे तो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। सो एफ इज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और कॉलिंग करते समय आपने जो ये पास किया है दिस इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को रिसीव में क्या कर रहा हूँ, एक एरे यूज कर रहा हूँ बेसिकली। रिसीव का कोई वैसे पैटर्न तो है तो नहीं, बट जैसा आप भेजोगे वैसा ही वो उसके अंदर असाइन हो जाएगा। आपने अरे भेजा तो एफ के अंदर जाके क्या स्टोर हो जाएगा, अरे स्टोर हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट भेजोगे तो एफ के अंदर जाके क्या स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। हमें पता है कि इनिशियली मैंने फ्रेंड्स को अरे डिक्लेयर किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अरे ही उसको भेजें। सो मैंने अपने फ्रेंड्स का, तीन फ्रेंड्स हैं ए बी सी, उनका एक अरे बना के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय जब आप न्यू क्लास नेम और उसके पैरेंथेसिस में जो लिखते हैं वो जाके कहाँ रिसीव होता है, आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो ये मैंने किया। सो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे भी आप कर सकते हो, और ये यहाँ से हटा के यहाँ रख दो और इस फ्रेंड्स को यहाँ पास कर दो, तो बात वो कि वही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें एक नया वेरिएबल अलग से बन जाएगा, और एक वेरिएबल भी अलग से बनाना मतलब मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस थोड़ा और एडिशनल उसको चाहिए होगा, इसलिए बेटर है कि हमेशा कम से कम वेरिएबल्स में आप अपना काम करो। सो मैंने इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं लिया, डायरेक्ट अरे को उसमें स्टोर करवा दिया। तो अब क्या होगा, ये अरे गया किसके अंदर, एफ के अंदर, और एफ से मैंने इनिशियलाइज कर दिया फ्रेंड्स को। अब मैं इस फ्रेंड्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सबसे पहले तो मैं काउंट देख लूं इसका। सो लेट्स यहाँ पर, अच्छा काउंट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि गेट माय फ्रेंड काउंट्स में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। और फंक्शन के अंदर जब भी रिटर्न होगा तो किसी न किसी वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा, वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा। सो यहाँ इम्पोर्ट में गए सबसे पहले, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सी फॉर काउंट, और ऑब्जेक्ट की मदद से मुझे मेथड को कॉल करना पड़ेगा, और मेथड का नाम क्या है, गेट माय काउंट, गेट माय फ्रेंड काउंट। अब मैं कंसोल लॉग करवा लूंगा किसको, सी को। अगर कंसोल लॉग करवा लें तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, थ्री, क्योंकि मेरे 1 2 3 ये तीन फ्रेंड्स हैं तो काउंट नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। सो ये आप देखिए ये यहाँ पर आ गया है 3, है ना, क्योंकि काउंट बता दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और फ्रेंड बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैंने डी लिखा, सेव किया, आउटपुट देखा तो ये देखो ये 4 आ रहा है, ठीक है। और अब आपको फ्रेंड्स लॉक करवाना है तो यहाँ पर अगेन आप जो है इसको मैंने हटाया, और चूंकि गेट माई फ्रेंड्स फंक्शन में भी क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, जब भी रिटर्न होगा आपको लेट कॉन्स्ट वार करके आपको रिसीव करना है, ये पहली बात ध्यान रख लेना।
सो यहाँ पर हम जो है मैं एक फ्रेंड्स नाम से FRNDS नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और मैं उस मेथड को कॉल करवाऊंगा जो कि मेरी क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर की मदद से आप उसको कॉल करवा सकते हो। सो ओबीजे डॉट गेट माय फ्रेंड्स, सो ये मैंने कॉल किया एंड देन इस फ्रेंड्स के अंदर मेरा अरे है, तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्सोल लॉक किया FRNDS, ये मैंने कॉन्सोल लॉक किया और आप यहाँ पर रन करके देखें तो ये देखिए ये पूरा का पूरा अरे प्रिंट हो गया। ठीक है, सो ये अरे प्रिंट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से है जो आपने सक्सेसफुली जो है एक वो किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हुआ है। अब इसी का मैं क्लोन बना लेता हूँ, सेवेस किया मैंने और इसको मैं बोल देता हूँ एक्सपोर्ट टू डॉट js और इंपोर्ट का भी एक क्लोन बना लेता हूँ, सेवेस किया मैंने इंपोर्ट टू डॉट js। ठीक है, और ऑलरेडी कहीं पर आ रहा है, इसको ओवरराइट कर देते हैं और इसको बंद किया, बंद किया और यहाँ पर जो है इम्पोर्ट टू डॉट जे एस और एक्सपोर्ट टू डॉट जे एस, सिर्फ दो फाइलों को मैं ओपन करके बता रहा हूँ। और पहले एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ये फंक्शन थी, इसको जो है मैंने अब नोड जे एस के थ्रू बताया था, अब मैं नोड जे एस के थ्रू हटा के अब मैं किसके थ्रू बता रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट के नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू बता रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, ओनली एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करना है, एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करना है। तो जहां क्लास डेफिनेशन है उसी के जस्ट पास में आप क्या लिख दें, एक्सपोर्ट, आप लिख दें एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नाम, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास का नाम। सो ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है जिसमें आप फंक्शन नेम से जस्ट पहले आप या जो भी एलिमेंट आपको एक्सपोर्ट करना है उसकी डेफिनेशन से पहले आप एक्सपोर्ट कीवर्ड लिख दें। सो ये तरीका कौन सा है, हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू नेम्ड एक्सपोर्ट करने का है। सो ये मैंने किया, अब जाके मैं इम्पोर्ट में जाऊंगा और इम्पोर्ट में ये कुछ भी नहीं काम आएगा, अब हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं कमेंट में, सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी। हाँ वो डिपेंड करता है कि नेम है कि क्या है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर नेम्ड इम्पोर्ट है, नेम्ड इम्पोर्ट, सो नेम्ड इम्पोर्ट है तो कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, ये गोल्डन रूल है। ठीक है, और क्या नेम्ड एक्सपोर्ट कर रखा है आपने, यस, जब भी आप एक्सपोर्ट लिख देते हैं तो नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो अगर नेम्ड एक्सपोर्ट है तो कर्ली ब्रेसेस में समथिंग लिखना है। ठीक है, और नेम्ड एक्सपोर्ट में दो बातें ध्यान रखनी है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो नाम लिखना है, एग्जैक्ट वो नाम लिखना है जो कि आपने एग्जैक्ट आपने एक्सपोर्ट किया था। सो मैंने क्या एक्सपोर्ट किया है, माय क्लास, कॉपी कर लो और इंपोर्ट में कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पेस्ट करना है। सो यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग के अंदर मैं लाइब्रेरी दूंगा और ये मैंने अपना क्या लिखा, माई क्लास लिखा एंड देन डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी और इसको मैंने बोल दिया एक्सपोर्ट टू। इतना सा करने के बाद आप कंसोल लॉक करवाएं और आप ये देख लें कि अब मुझे जो है वो पैकेट डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो आप देख ले, पहले कंसोल लॉक करवा लो कोई एरर वेरर तो नहीं आ रही है, वो देख लो समझ लो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। सिंपल सा इतना सा किया मैंने, अब मैं किसको रन करूंगा, एक्सपोर्ट टू डॉट जेएस को रन करूंगा कि इंपोर्ट टू डॉट जेएस को रन, इंपोर्ट को रन करेंगे क्योंकि कोड एक्चुअल में आ कहाँ रहा है, इंपोर्ट में आ रहा है, तो आपको इंपोर्ट में रन करना है। सो यहाँ पर हम गए एंड देन मैंने यहाँ से किया नोड इंपोर्ट टू डॉट जेएस, अगेन ये बोल रहा है कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब नोड जेएस समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो नोड जेएस को आपको बताना पड़ेगा बिकॉज हमारा अभी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने नोड जेएस ही डिसाइड कर रखा है, तो आपको नोड जेएस को बताना पड़ेगा कि मॉड्यूल्स आपके प्योर जावास्क्रिप्ट वाले हैं कि नोड जेएस वाले हैं। सो प्योर जावास्क्रिप्ट वाले हैं तो ये की आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये खुद ही बोल देगा कि भाई पैकेट डॉट जेसन में आप ये लिख दो, ये खुद ही बोल रहा है ऊपर। सो ये जस्ट कॉपी किया मैंने
और मेरा पैकेज डॉट जेसन फाइल मैं देखूंगा, और अगर नहीं बना हुआ है तो npm init dash y कर देना, पैकेज डॉट जेसन बन जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट रहा और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये लिखा, और लास्ट लास्ट में कॉमा लगा देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही मेंबर होते हैं, प्रॉपर्टी और मेथड्स होती हैं। सो p कॉलन v, ये देखो कॉलन दिख रहा है, कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी है, कॉलन के राइट साइड में वैल्यूज है। सो एक प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे यहाँ ऊपर ऊपर आप ऐड करवा देना, एंड देन आप जो है अपने टर्मिनल से वापस से रन करके देखना। अब नोड जेएस को हमने बता रखा है कि भाई ये जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इसमें है ना ES6 का कोड लिखा हुआ है, तो नोड जेएस समझ जाएगा, उसको जहां पे भी इंपोर्ट दिखेगा वो आपसे पूछेगा नहीं कि ये इंपोर्ट क्या है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन नोड जेएस को दे रखी है कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये ES6 कंप्लाइंट है, तो आप रीड करोगे इसको, इंटरप्रेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो इसको ES6 का कोड समझते हुए करेंगे आप, और ES6 के अंदर इंपोर्ट कीवर्ड, एक्सपोर्ट कीवर्ड ये डिक्लेयर्ड है, तो नोड जेएस समझ जाएगा। सो यहाँ पर जो है इस फाइल को मैंने रन किया, नोड इम्पोर्ट टू डॉट जेएस, एंड देन हाँ, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि उसको मॉड्यूल कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल अगर आ जाए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, बस ये छोटी सी दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाना है और पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल लिखना है, दो बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो वापस से मैंने रन किया, यहाँ पर मैंने लिखा नोड इम्पोर्ट टू डॉट जेएस, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ये हो रहा है। दो बातें ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहली बात तो पैकेज डॉट जेसन में ऊपर ऊपर आप ये डिफाइन कर देना, ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इम्पोर्ट कीवर्ड यूज कर रहे हो तो आपको एक्सटेंशन देना है, अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि उसका जो डॉट जेएस एक्सटेंशन है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने दे दिया, एंड देन ये इसको कंसोल लॉग करवाया, उसके बाद अगेन वही हम काम करते हैं, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल ओबीजे, सो लेट ओ इज इक्वल टू न्यू ऑफ व्हाट माय क्लास, एंड देन मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे एक अरे पास करना है, सो फ्रेंड्स को इनिशियलाइज करना है, तो फ्रेंड्स ले लिए मैंने, और वो एक अरे है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्ट्रिंग में मैंने दे दिया ए ए कॉमा कॉमा, इस टाइम मैंने बी बी दे दिया, एंड देन स्ट्रिंग में मैंने दे दिया सी सी दे दिया, देन स्ट्रिंग में डी डी, और मैंने स्ट्रिंग में ई ई नाम से ऐसे कुछ पांच फ्रेंड्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है, और इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब आप जो है ओ डॉट गेट, ये ओनली एरे है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर झांक के देखो कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिंपल एरे है। स्क्वायर ब्रैकेट देखो, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट देखो और अंदर झांक के देखो कि उसमें कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं क्या, अगर दिख रहे हैं तो वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ये जो अभी मैंने बनाया है ये ओनली अरे है ना, और अरे के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने सारे के सारे क्या स्टोर कर रखे हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि कोट लगा रखे मैंने, है ना, ये कोट लगा रखे हैं। सो ठीक है, मैंने पांच फ्रेंड्स को स्टोर किया, और गेट माय फ्रेंड काउंट मेथड जो है रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया और ऑब्जेक्ट डॉट गेट माय फ्रेंड काउंट, एंड देन यहाँ पर मैं कॉन्सोल लॉग करवा लूंगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, एंड देन आप सीसी को कॉन्सोल लॉग करवा लें, एंड देन आप इसको रन करके देखें, और ये रन किया, ये देखो फाइव काउंट बता रहा है कि पांच आपके फ्रेंड्स हैं, कौन कौन है, तो आप इसको देख सकते हैं, ओ डॉट एफ एफ लिया मैंने लेट, अब मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, तो हमेशा अलग अलग वेरिएंट यूज करो, कभी लेट यूज करो, कभी कॉन्स्ट यूज करो, कभी वार कीवर्ड यूज करो, आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने कॉन्स्ट एफ एफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट माई फ्रेंड नाम से मैंने ये किया, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि गेट माई फ्रेंड मेथड जो है एक्चुअल में क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसको, इस अरे को, ठीक है ना, और देन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग किया, एफ एफ को मैंने कॉन्सोल लॉग किया, एंड यहाँ से जो है आप उसको रन करके देखें, ये देखो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। सो अगेन जो है मैंने यहाँ पर आपको नोड जेएस के थ्रू आपको जो है सॉरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू नेम्ड एक्सपोर्ट बताया, अब मैं इसी टास्क को
अगर आपको उसमें कन्वर्ट करके बताऊं तो इसी का मैं क्लोन कर लेता हूं, यहां से मैंने क्लोन किया और इसको बोल देता हूं मैं एक्सपोर्ट 3.js और इसको बोल देता हूं इंपोर्ट 3.js, क्लोन कर लेता हूं ताकि तीन अलग अलग वेरिएंट्स में आपको बता सकूं। ये मैंने किया, अब एक्सपोर्ट में मुझे करना है, अब एक्सपोर्ट में मुझे कौन सा तरीका यूज करना है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करना है। सो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या करना है, एक्सपोर्ट के जस्ट बाद आपको क्या कीवर्ड यूज करना है, डिफॉल्ट आपको यूज करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड जो भी आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। सो अब माई क्लास को मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो उसका एक रूल हमेशा ध्यान रखना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में पहली बात कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है, दूसरी बात जो जो भी वेरिएबल होगा समथिंग जो भी वेरिएबल होगा समथिंग उस वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर माय क्लास दे दिया, यहाँ पर मैंने एक्स दे दिया, यहाँ पर मैंने अनिल लिख दिया, यहाँ पर मैंने ओके लैब्स लिख दिया, कुछ भी आप दे सकते हो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के जब आप इंपोर्ट करवाओगे। तो अभी तो मैं उसी के नाम से ले लेता हूँ ये माई क्लास एंड देन आई थिंक असाइनमेंट वही रहेगा। सो मैंने नोड इम्पोर्ट 3 The request module ये does not अच्छा sorry, यहाँ पर मैंने node import 3 किया मैंने, और एक बार आप इसको सेव कर लें, सेव किया, इसको भी सेव करें, हाँ sorry, यहाँ से require क्या करेंगे हम, definitely 3, export 3.js, import 3.js, तो import 3.js में से import कौन सी करेंगे, export 3.js, है ना, क्योंकि इन दोनों फाइल का ही आपस में कनेक्शन है, बाकी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये यहाँ से मैंने ये किया, देन आप इसको रन करें और आप ये देखिए कि सेम आउटपुट आ गया हमारा। बस इसमें डिफरेंस यही था कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट इंपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सो डिफॉल्ट इंपोर्ट में मैंने आपको क्या बता रखा है, पहली इंपॉर्टेंट बात डिफॉल्ट इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में ध्यान रखनी है कि कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। दूसरी बात कि जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा समथिंग, समथिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अब समथिंग का नाम मैंने लिख दिया ओके लैब्स। सो अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, ओके लैब्स का बनाऊंगा, ये जहां जहां पे भी वो लिखा हुआ है, जहां जहां पे भी माई क्लास लिखा हुआ है उसको अब मैं क्या करूंगा, ओके लैब्स कर दूंगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने किया और मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको, देखो अभी भी वही आउट। तो देखो जो बात मैंने बोली थी वो सही है कि पहली बात तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा सकते हो, जानबूझ के लगा के देखते हैं चलो क्या होता है ना, सर बोल रहे हैं कि नहीं लगाना है, फिर भी लगा के देख रहे हो तो फिर रन करके देखो क्या होता क्या है, वो एरर फेंक दिया उसने। तो जो रूल्स है जो बोला गया है उसको आप समझे कि डिफॉल्ट के केस में, डिफॉल्ट इंपोर्ट के केस में कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं लगाना है, लगाओगे तो एरर आएगी, बेसिकली काम ही नहीं होगा। और दूसरी बात जो रेफरेंस वेरिएबल है समथिंग उसको आप किसी भी नाम से इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रन करके बताता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट 3.js और ये इस तरीके से इंपोर्ट हो गया है। अब आप जो है क्लास इंपोर्ट करवाएं, फंक्शन इंपोर्ट करवाएं, फंक्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट आप करवाएं, प्रिमिटिव्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाएं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप है जो नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।